राष्ट्र का गौरव मने जाते भाखड़ा बन वालों निकलने वाली नहर जिसनों भाखड़ा नहर के अलावा नंगल हाइडर चैनल के नाम नाल भी जाने जाता है जिसने अज सफलता के 67 साल पूरे कर ले हैं। इसनों अधिकारियों की मेहनत का नतीजा ही कहा जा सकता है कि इस लंबे अंतराल के दौरान एक दिन भी यह नहर बंद नहीं हुई। आजादी तो बाद देश में हरी क्रांति का सुपना साकार करने नंगल हाइडर चैनल का विशेष योगदान रहा है। अज ही दे दिन साल 1954 देश के पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नहरू ने नंगल डैम वालों निकलती इस नहर का लोकार्पण किया। नंगल डैम वालों निकलती यह नहर 61.06 किलोमीटर लंबी है जो अपने 12,500 क्यूसिक पानी समा के अगे भाखड़ा नहर के माध्यम वालों हरियाणा राजस्थान दिल्ली तक पीण ते खेतीबाड़ी लायक पानी उपलब्ध कराने में योगदान दे रही है। समय की मांग अनुसार जेकर नंगल डैम वालों नित निकलने वाले करीब 20,000 क्यूसिक पानी का दोहन करने के लिए इतने टरबाइना लगा दित्तियां जाण तां नंगल डैम विच भी बिजली परियोजना के माध्यम वालों नित लखा यूनिट बिजली का उत्पादन करके राष्ट्र उसारी विच अहम योगदान दे सकता है। BBMB के कई अधिकारियों ने भाखड़ा बन वालों लैके गंगूवाल और कोटला तक करीब 14 पावर प्लांट लगाने का प्लान तैयार किया जिस उत्ते अज तक काम शुरू नहीं हो सकिया। जेकर नहर के पानी का बिजली दोहन कर लिया जाए तो पंजाब के प्रांत में बिजली के संकट वालों पूरी तरह राहत मिल सकती है। देश के पहले प्रधानमंत्री भाखड़ा नंगल परियोजना के उसारी समय 13 बार नंगल आए सन। वो जानते सन कि उमंगी भाखड़ा बन परियोजना के उसारी वालों ही देश में हर क्रांति का सुपना साकार किया जा सकता है। उन्होंने कोशिशों वालों बनी इस नहर के माध्यम वालों ही देश के वक्रे प्रांतों में 1.35 करोड़ एकड़ खेतीबाड़ी भूमि की सिंचाई के नाल पेयजल की आपूर्ति की जाती है। दिल्ली में नित इस नहर वालों 490 क्यूसिक पानी पहुँचाया जाता है। कहा जा सकता है कि जेकर दिल्ली में यह पानी ना मिले तो उत्थे हाहाकार जे हालात पैदा हो सकते हैं। भाखड़ा नंगल परियोजना की तरफ जेकर भारत सरकार हुण भी ध्यान केंद्रित करती है तो निश्चित रूप में मौजूदा समा विच हो रहे बिजली उत्पादन विच कई गुणा ज़्यादा वाधा हो सकता है। नहर के लोकार्पण के बाद अज तक कोई प्रधानमंत्री नंगल नहीं आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेकर भाखड़ा बन परियोजना का दौरा करते हैं तो निश्चित रूप वालों उन्होंने यह दौरा राष्ट्र तरक्की और बिजली उत्पादन के खेत्र में मील पत्थर साबित हो सकता है। पंजाब टीवी अविनाश शर्मा के राकेश राणा की रिपोर्ट। आज नंगल हाइडल को शुरू हुए प्रोजेक्ट को 67 साल हो चुके हैं और निर्विघन ये कैनाल है वो चल रही है। इससे 52 जनरेशन और अलग अलग स्टेटें जैसे कि हरियाणा राजस्थान पंजाब दिल्ली चंडीगढ़ को जल की आपूर्ति सिंचाई ये पीने के जल की आपूर्ति निर्विघन चल रही है। ये 8 जुलाई 1954 को इसका शिलान्यास इसका शुरुआत हुई थी और ये बिना निर्विघन चल रही है और पीछे साल इसको काफ़ी कैपेसिटी डाउन करके चलाया गया है, इसको चेक करा गया है और बड़ी सही सलामत इसकी कंडीशन है नहर की तो, और इसको जो माइनर रिपेयर की गई थी और ये बाकी सही हालत में है नहर। और इसमें हमारे जो वर्कर हैं और इंजीनियर्स हैं वो दिन रात काम करते हैं ताकि स्टेटों को निर्विघन पानी की आपूर्ति की जाए और बिजली की जो है इस टाइम पानी की और बिजली की बहुत सख्त ज़रूरत है और फुल कैपेसिटी पे ये कैनाल आज के दिन में चल रही है। यहाँ से पंजाब हरियाणा राजस्थान दिल्ली जल बोर्ड चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी को पानी की सप्लाई और वक्त और कई शहरों को पानी की सप्लाई और सिंचाई की सुविधा दी जा रही है। नहीं इससे जो अब इस समय जो है ना धान की रुपाई चल रही है तो स्टेटों की डिमांड बिजली और पानी की डिमांड पूरी करने के लिए फुल सप्लाई पे चल रही है। नहीं ये कभी नहीं बंद क्योंकि इतने जल्दी नहर से ही रिपेयर करना इतने साढ़े को माइनर रिपेयर करना जल्दी नहर से ही कर देती है।